बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। ये होगा इसका भाग 3। अगर इससे पिछले भाग 1 और भाग 2 आपने नहीं देखा है तो आप देखें हमारी लूसेंट वीडियो जीके की प्लेलिस्ट को। वहाँ पर आपको इसके अलावा काफ़ी सारे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी, बहुत सारे भाग आपको इस बुक के वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हम कवर करेंगे ये सभी टॉपिक आज लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके की बुक में से। और ये बुक कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझको इतनी बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। आई होप आप पहले से ही इस बुक के बारे में जानते होंगे, इस बुक की इम्पोर्टेंस कितनी है, और आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को पढ़ना आपके लिए कितना कंपलसरी है। तो आज हम बात करेंगे, देखिए, प्रकाश, समतल दर्पण, उत्तल अवतल लेंस, प्राथमिक एवं द्वितीयक तथा पूरक रंग कौन कौन से होते हैं, एवं स्थिर वैद्युत। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखते समय अपने पास ये बुक को जरूर रखें, और वीडियो देखते समय अपने पास इस बुक को रखना ही है साथ में, और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो सभी पॉइंट आपको हाईलाइट भी करने हैं। हाईलाइट करने के बाद में आप इस वीडियो को एक बार और वॉच करेंगे, टोटल आप देखेंगे इस वीडियो को 2 बार। अगर नेट की दिक्कत है तो आप एक बार वॉच करिए, अभी दोबारा वॉच मत करना। लेकिन अगर आपके पास नेट की कोई दिक्कत नहीं है तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार आपने वॉच करना है। एक बार हाईलाइट करिए, सेकंड टाइम जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो को पॉज करते करते साथ में आपको वो लाइन खुद बोलनी है। बुक में से देख करके आपको वही सेम लाइन उसी तरह से पढ़नी है जिस तरह से मैं आपको अभी पढ़कर दिखाने वाला हूँ, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा प्रकाश, कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक्चुअली एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। तो प्रकाश क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है आपके एग्जाम में। 4 ऑप्शन देगा, प्रकाश एक तरंग है, एक ऊर्जा है, क्या है, तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन देगा। तो प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, ये आप याद रखना, और एक चुंबकीय तरंगों के रूप में ये संचारित होती है। और इसका तरंग धैर्य कितना होता है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि इसका तरंग धैर्य कितना होता है, तो इसका तरंग धैर्य होता है 3900 से लेकर के 7800 तक। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती हैं, ये अनुप्रस्थ होती हैं, और प्रकाश भी क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग ही होता है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक ऊर्जा तो है, लेकिन अगर बात करी जाए तरंग की तो ये क्या है, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और बाकी के पॉइंट आपको नहीं देखने हैं फिलहाल, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन इतने पॉइंट आपको याद रखने रखने हैं एग्जाम में जाने से पहले। अब देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव एक क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टाइन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा की जाती है। अब देखिए प्रकाश का फोटोन सिद्धांत एक्चुअली है क्या, तो ये है कि इसके अनुसार प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट या जंक के रूप में चलता है, जिन्हें हम कहते हैं फोटोन, ठीक है। छोटे छोटे पैकेट्स बन जाते हैं इसके ऊर्जा के, और वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते रहता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फोटोन। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने करी थी, तो ये करी थी रोमर ने। किसने, रोमर ने। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। भाई प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक किस में होती है, क्वेश्चन ये बनता है आपके एग्जाम में। तब आप क्या करेंगे, तब आपने बोलना है वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और 3×10^8 m/s ये होती है इसकी चाल। GS Paper 1 स्टेट PCS में क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपका ग्रेड डी ग्रेड सी का एग्जाम अगर आप देते हैं तो वहां पे आपसे डायरेक्ट ये पूछता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम कहाँ पर होती है। अब हम बात करते हैं, देखिए प्रकाश को सूर्य, जो प्रकाश होता है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में आने में औसतन कितने समय लगता है, 8 min 16.6 s, और चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में, चंद्रमा का प्रकाश
अब देखिए हम बात करते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं दो प्रकार के, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? तो बड़ी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होते हैं उसमें काम आता है, और जो ENT आपके डॉक्टर होते हैं वो प्रयोग करते हैं, और गाड़ी की हेडलाइट और सर्च लाइट में इस लेंस का प्रयोग होता है, और सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें 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 कौन सा दर्पण का यूज होता है, तो आपको उत्तल अवतल दोनों की कंडीशन याद करनी है। उत्तल क्या होता है? देखिए उत्तल होता है कि उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है, आभासी बनेगा। और देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है कि गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के दृश्य देखने के लिए, जिसको बोलते हैं गाड़ी का साइड मिरर, वहां पे प्रयोग होता है। किसका? उत्तल दर्पण का। सोडियम परावर्तक लैंप में प्रयोग होता है उत्तल दर्पण का। आगे हम देखिए बात करते हैं, कुछ चीजें मैं स्किप करा रहा हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। नॉलेज के लिए, नॉलेज इंक्रीज करने के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना है तो आप इतना सारा ढेर पढ़ेंगे तो उसमें से आप बहुत ही कम शायद याद कर पाए, इसलिए कम पढ़िए, सिलेक्टेड पढ़िए, और जो कम पढ़ रहे हैं उसको अपने माइंड में हमेशा परमानेंट मार्कर से दर्ज करके रखिए। अगर आप अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को दोबारा वॉच नहीं करते हैं या अपनी बुक को दोबारा रिविजन के लिए नहीं उठाते हैं, तो ये सारी मेहनत खराब है, मेरी भी और आपकी भी। आप डाटा खर्च कर रहे हैं, आप अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, साथ में मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसको मॉडिफाई करता हूँ, एडिट करता हूँ, उसके बाद में ये वीडियो आप तक मैं पहुँचाता हूँ। तो यहाँ पे हम सब कहना कि टाइम खर्च कर रहे हैं, अगर आप रिविजन नहीं कर रहे हैं तो, अगर रिविजन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बुक में हाईलाइट कर रहे हैं, इस तरह से अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो फिर हम सबका जो काम हो रहा है वो बिल्कुल सार्थक है। अब देखिए ताप बढ़ने पर भी सामान्यतः क्या होता है कि अपवर्तनांक घट जाता है। ताप बढ़ने पर क्या होता है कि अपवर्तनांक घट जाता है, और प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं कौन कौन सी होती है? द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है, और तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तारे टिमटिमाते किस प्रकार से हैं? तो वो होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, और सूर्य सूर्य उदय के पहले और जब सूर्य डूबता है उस समय हमको सूर्य लाल सा दिखाई देता है, तो इसका रीजन क्या होता है? वो होता है प्रकाश का अपवर्तन। बर्तन की तली में अगर पड़ा हुआ सिक्का होता है तो हमको थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। ये सब क्या होता है? ये सब होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इनमें से आपको कोई एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बना के दे देगा आपके एग्जाम में, और आपसे ये पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली कौन सी घटना है। चार घटना देगा आपको, उसमें एक घटना आपको दे देगा ये कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर हमको उठी हुई दिखाई देती है। ये कंडीशंस आपके सामने बना के दे देगा एक कोई सी भी, और आपसे पूछेगा प्रकाश का अपवर्तन किस चीज में अप्लाई होता है। अब हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल। देखिए हीरा का चमकना जो है, और रेगिस्तान में मरीची का जो बनती है, और जल में पड़ी पलक नली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, ये सब होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। तो कांच में आई दरार का चमकना किस बात पर आधारित होता है? चार ऑप्शंस तो आपको याद रखना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दो लेंस होते हैं, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस, अवतल लेंस इतना आपको नहीं पढ़ना है, बस केवल लेंस के बारे में आप जानिएगा, और चाहे तो आप पढ़ सकते हैं कि प्रकाशिक केंद्र होता है इसका, ओ लेंस का मुख्य अक्ष वगैरह। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए। राइट, देख लिया। अब देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, मतलब इसमें क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के बाद, मतलब पश्चात, प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। मतलब प्रिज्म में अगर कोई प्रकाश पड़ेगा तो वह सात कलर अलग अलग में डिवाइड हो जाएगा, उसको बोलते हैं विबग्योर। आपको पता होगा रेनबो, रेनबो जो होता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सात रंग। कौन से होते हैं? विबग्योर। तो प्रिज्म में भी यही चीज सेम अप्लाई होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विबग्योर का, आपको मतलब पता होगा, वायलेट, बी से ब्लू, आई से इंडिगो, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो विबग्योर मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपके सामने, तो आप ये चीज देख लेना।
अब देखिए, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपण करता है? तो वो है आपका बैंगनी। अगर लाल लाल रंग की बात करी जाए तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, तो एग्जाम में सबसे अधिक पूछेगा और सबसे कम दोनों पूछ सकता है। बैंगनी सबसे ज्यादा है और सबसे कम में आएगा आपका लाल रंग का विक्षेपण होता है। अब देखिए, इंद्रधनुष मैंने आपको बताया था, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। दोनों जो इंद्रधनुष हैं, प्राथमिक क्या होता है कि जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाले सूर्य के किरणों को दो बार अपवर्तन वे एक बार परावर्तन होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और द्वितीय में क्या होता है, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य किरणों को दो बार अपवर्तन वे दो बार परावर्तन, वहां पे क्या हो रहा है, दो बार, वहां एक एक बार हो रहा है, दो बार तो अपवर्तन हो रहा है, एक बार परावर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर दो बार अपवर्तन होगा सेकेंड पोजिशन में और दो बार होगा परावर्तन। जी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अभी अगर कुछ बच्चों को नहीं चल रहा पता कि मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ दो बार है और यहाँ पे क्या है, दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन, राइट? क्लियर? पढ़ लीजिए इसको एक बार, काम करिए, यही वीडियो पॉज करिए, खुद पढ़िए इसको एक बार। अब देखिए, द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा क्या होता है, कुछ धुंधला दिखाई देता है। कौन सा? सेकंड वाला। ये जो है द्वितीय इंद्रधनुष फर्स्ट के मुकाबले थोड़ा धुंधला हो जाता है। अब हम बात करते हैं रंगों के बारे में कि लाल, हरा एवं नीला प्राथमिक रंग होते हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है, तो आपको क्या बोलेगा, वहाँ पे चार रंग देगा, तीन रंग देगा और एक नहीं दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद करना है कि लाल, हरा, नीला जो रंग है वो एक प्राथमिक रंग है। अगर मैं आपसे बोलूँ लाल, हरा, नीला और पीला कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो यहाँ पे पीला रंग जो है वो प्राथमिक रंग नहीं है। तो देखिए, अब क्या होता है कि इन्हीं प्राथमिक रंग को मिलाकर के बनता है व्हाइट। देखिए यहाँ पर लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला को मिलाकर के कौन सा रंग बनेगा, वो बनेगा सफेद। तो एग्जाम में क्वेश्चंस ये पूछेगा कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं और उन सबको मिला करके कौन सा रंग बनाया जा सकता है, तो वो बनेगा सफेद। अब देखिए, रंगीन टेलीविजन जो आप यूज करते हैं घरों में, रंगीन टेलीविजन, कलर टीवी, उसमें केवल तीन ही प्राथमिक रंग का उपयोग करा जाता है, उनके मिक्सर से ही एक नया रंग बन जाता है। तो प्राथमिक रंग में कौन सा आएगा, लाल, हरा, नीला। आगे बढ़े, बिल्कुल। देखिए, अब क्या होता है कि वस्तु का नाम दिया है, उस पर सफेद किरणें पड़ेंगी, लाल किरणें पड़ेगी, तो रंग कैसे दिखाई देगा? अगर लाल कागज पर सफेद अगर किरणें पड़ती हैं तो वो दिखाई देगा लाल, अगर लाल पे लाल पड़ेगी तब भी वो लाल दिखाई देगा, अगर लाल कागज पर हरी किरणें पड़ेंगी तो वो हो जाएगा ब्लैक, ठीक है। अगर हरे कलर उस पे लाल पे पड़ेगा तो वो दिखाई देगा काला, और पीली पीली अगर किरणें लाल कागज पर पड़ेंगी तो वो दिखाई देगा काला, और नीली किरणें पड़ेंगी तब भी वो दिखाई देगा काला। मानव नेत्र, देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो ये है आपकी 25 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष, देखिए इसमें हमको ये लगता है कि निकट की दृष्टि में दोष होगा, बट ऐसा नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट की दृष्टि काफी सही है लेकिन उसकी दूर की दृष्टि कमजोर है, यहाँ पे बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है ऐसी कंडीशन में। तो अब याद रखना, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरी निकट दृष्टि दोष है, तो मतलब ये है कि मेरी निकट की दृष्टि में दोष नहीं है, निकट की दृष्टि मेरी बिल्कुल सही है, मुझको दूर की दृष्टि वाली चीजें दिखाई नहीं देती हैं, राइट? और दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख सकता है। आप पढ़ लीजिए इसको, पूरी लाइन को। अब हम करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। हमारे केस में क्या होगा, जैसे कि मुझे भी लेंस लगा हुआ है, तो मेरा केस सेम यही है कि मुझे दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, तो मेरा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। अब देखिए, रोग का निवारण कैसे होता है कि अवतल लेंस का प्रयोग करा जाता है। जो निकट दृष्टि दोष वाले कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है, तो ये है आपका अवतल लेंस के प्रयोग के बाद। दूर दृष्टि दोष में बिल्कुल इसका उल्टा होता है, लेकिन लेंस बिल्कुल चेंज हो जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, पहले वाले केस में आगे बनता था, लेकिन आपका दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है इसमें प्रतिबिंब। और लेंस कौन सा प्रयोग करते हैं, लेंस करते हैं उत्तल लेंस। अब देखिए, यहाँ पर आंख के रंग से मतलब क्या है, ये आपका आयरिस के रंग से है। कुछ लोगों की आंखें क्या होती हैं, भूरी होती हैं, कुछ लोगों की आईज बिल्कुल ब्लैक होती है, कुछ लोगों की आईज नीली होती है, तो ये आईज का रंग जो डिपेंड करता है वो करता है आयरिस के ऊपर। किसके ऊपर? आयरिस के ऊपर। आयरिस का जैसे रंग होगा वैसे ही हमारे आईज का जो सेंटर होता है ब्लैक 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 गोल गोल जो कंचे टाइप का होता है ना, तो ये आयरिस पर ही डिपेंड करता है। टेलीस्कोप, इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। टेलीस्कोप में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करा जाता है, तो इसमें होते हैं दो उत्तल लेंस। स्थिर विद्युत,
पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है और समान प्रकार के अर्थात धन धन मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस आवेश परस्पर प्रतिकर्षित रहते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। अब देखिए कंडक्टर क्या होता है कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें कहते हैं चालक। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि विद्युत आराम से यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो सकता है। चांदी सबसे अच्छी सुचालक होती है। चांदी अगर हम लोग अपनी वायरिंग जो होती है घरों की वायरिंग पूरी चांदी से कर दें तो हमारी जो विद्युत की जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ से वहाँ जो वो ट्रैवल करेगी काफ़ी स्पीड से करेगी, तो चांदी काफ़ी अच्छी चालक होती है विद्युत की। सेकेंड नंबर पर तांबा और थर्ड नंबर पर होता है आपका एल्यूमिनियम। आपको ये क्रम एज इट इज इसी तरह से याद रखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अचालक क्या होते हैं? अचालक जो आपका कि आवेश को प्रवाह नहीं होने देते। लकड़ी से कभी भी हो आपकी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से वहाँ प्रवाहित नहीं होगी, रबड़ से प्रवाहित नहीं होगी, कागज़ से प्रवाहित नहीं होती, इसको बोलते हैं अचालक। अब हम बात करते हैं कूलाम का नियम। दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। दोनों बल अगर आपस में मिल जाएंगे तो उसको बोलते हैं कूलाम का नियम। अब देखिए विद्युत धारिता क्या होती है? किसी चालक की धारिता मतलब सी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, तो यह है आपके फेराड। और विद्युत सेल क्या होती है? विद्युत सेल दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राथमिक, एक होती है सेकेंडरी द्वितीयक। अब देखिए प्राथमिक सेलों में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस प्रकार के सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करा जाता है, तो वो होती हैं प्राथमिक सेलें। और एक बार प्रयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाती है, एक बार प्रयोग करने के बाद में ये पूरी तरह से खराब हो जाती हैं। अब देखिए द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करा जाता है, परावर्तित करा जाता है, और इनका बार बार प्रयोग में हम लोग ला सकते हैं। देखिए वोल्टी सेल का आविष्कार किसने करा था? तो ये करा था 1799 में। प्रोफेसर कौन थे? प्रोफेसर थे एलिजाडो वोल्टा। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जिस तरह से भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम शेयर करिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारी स्टैंडर्ड सिलेक्टेड किताबों की वीडियो। उन सभी वीडियो को आप वॉच करिए। अगर सभी वीडियो को वॉच नहीं कर सकते हैं तो आप बस केवल ओवरव्यू लेकर के चैनल का फिर डिसाइड करिए सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं करना है। सब्सक्राइब के साथ में आप दबाएंगे बेल आइकन को, सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन मस्ट। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो ही आपको इस चैनल के डेली जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।